अभी मैं बैंक गई हुई थी, बैंक का कुछ काम निपटा कर आई हूँ। तो आज मैंने, अब जो है फिर से शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने अपनी ब्राइड्स के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। ऐसे सबको अनपैक कर चुका है, ये कुछ पर्पल से शॉपिंग किया है और ये कुछ नायका से। तो मैंने क्या शॉपिंग किया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहला प्रोडक्ट मैंने जो नायका से मंगाया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मैक का NC20, ये मीडियम टू फेयर स्किन पे चला जाता है ये फाउंडेशन। तो मैंने ये मंगाया क्योंकि इस बार मेरे एक से दो ब्राइड जो है वो मैक के हैं, तो मैंने उनके लिए स्पेशली ये फाउंडेशन ऑर्डर किया है। और उसके बाद अभी ये मेकअप डेली लाइफ मेकअप फॉरएवर 52 प्रोफेशनल प्रो आर्टिस्ट का एक फाउंडेशन मंगाया है। ये अभी जस्ट वाव फाउंडेशन है। ये इसका बेस जो है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। आप कोई भी फाउंड, मतलब आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास ये फाउंडेशन ज़रूर रहना चाहिए। ये ऑसम है, ऑसम। तो मैं इसे एकदम, अभी सील पैक है, अभी ओपन भी नहीं किया है, तो इसे भी मैंने अपने मेकअप बॉक्स में ऐड किया है इस बार फर्स्ट टाइम। आईलैशेस ग्लू मेरे पास ख़त्म हो चुके थे तो मैंने मिस क्लियर का आईलैशेस ग्लू मंगाया है। और मैंने एक बायोटिक का मॉइस्चराइज़र मंगाया। एक्चुअली मुझे इस बार इम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र, बहुत नींद आ रही है यार, इम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र मंगाने का बहुत ज़्यादा मन था, बट मेरा बजट जो है थोड़ा सा किसी वजह से हिल गया। तो ऐसे मेरे पास और दो तीन सीरम है, मॉइस्चराइज़र है, बट ये मॉइस्चराइज़र मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऑल स्किन टाइप है, तो इसे भी मैंने अपने मेकअप बॉक्स में ऐड किया। ये चार चीज़ें जो है मैंने नायका की तरफ से मंगवाई थी और कुछ चीज़ें मैंने पर्पल की तरफ से मंगवाई है। तो पर्पल की तरफ से मैंने फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे मंगवाया है, छोटा बॉक्स ही मैंने मंगवाया है। और आप लोगों को तो पता है मैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन का मस्कारा। और ये मैंने स्टे कॉर्की का लिक्विड लिपस्टिक मंगाया है। ये मंगाया है टू हॉट फॉर डेट नाइट, नामी इतना सिजलिंग हॉट है कि तो सोच लीजिए इसका कलर भी कितना अच्छा होगा। और ये मुझे बहुत दिन से मन था, फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो इंस्टेंट जेल काजल, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इंस्टेंट कलर है। ये सच में, इसका जैसा नाम है ये सच में वैसा ही काम करता है। इसे मैंने यूज़ किया है, ये सच में आपके आँखों के ऊपर बहुत अच्छे टाइम तक, एकदम लॉन्ग टाइम तक, मतलब मिनिमम आपका 10 से 12 घंटा तो स्टे करेगा ही करेगा। बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर वॉश टू गुड, एकदम हॉट ब्लैक लगता है। और ये एक मैंने नेल पॉलिश अपने लिए ऑर्डर किया जो मैंने अपने हाथों में लगा के रखा है, काम करते करते थोड़ा सा निकल भी गया है। और ये जो नेल पॉलिश है, नेल पेंट, ये मुझे फ्री मिला था। तो बस मैंने इतना का ही शॉपिंग किया है अपनी होने वाली ब्राइड्स के लिए। और ये जो डब्बा है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और इसमें ये जो साहबजादे हैं ना मैक का, ये एकदम सहनसा की तरह अकेले आए थे। सो किसका बर्थडे है, किसके बर्थडे के लिए केक कट रहा है, मतलब निकल रहा है, ये है हैप्पी बर्थडे। इधर होगा नाइफ, देन इसको कट इट, थैंक थैंक। वाह, क्यों नहीं लिखवाई दादू? अरे नहीं, बोलोगे जब हम इनको फेर पाती ना। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो। क्या किसका बर्थडे है, है? जल्दी बताओ, मुंह क्यों हड़िया जैसा फूला हुआ है तुम्हारा? देखो दादा को सब पैम्पर कर रहा है। शिवन्या जल्दी जाओ ऊपर। किसका बर्थडे है तुम दादा के लिए? क्या गिफ्ट लाया, गिफ्ट क्या लाया? कुछ नहीं। क्यों, पॉकेट मनी कहाँ गया? पॉकेट मनी, बहुत पैसा इसके पास। सब लोग क्या टीवी देखने में। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर दादू। बोलो तुम लोग।
बोल के दो पे टूट पड़ा। दे दादा जी को गिफ्ट दो, हाथ में दो, हैप्पी बर्थडे बोलो। बाप रे रुसवर रुस गई। ये मीशो से मैंने जिप बैग्स मंगवाए हैं, ये मुझे 15 पीसेस का पड़ा है। प्राइस मुझे याद नहीं, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, बट पेपर की जो क्वालिटी इज टू गुड। इन खूबसूरत फूलों की तरह आपका दिन भी जो है बहुत खूबसूरत रहे, और इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। ट्रेन ने भी हॉर्न मार के आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया है। आज का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा फॉगी है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था, बट मैं तो सुबह के 8:30 सोकर उठी हूँ, तो मुझे कुछ फॉग का पता नहीं चला। आज मेरी छुट्टी थी घर के कामों से, तो आज मैं लेट से सो के उठी। तो आज मकर संक्रांति का दिन है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन मनाते सब है। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे दही चूड़ा खाइए, रात को खिचड़ी बनाइए। हम लोग का तो आज के दिन नियम होता है ना, भी दही चूड़ा, सादा तिल का लड्डू, काला तिल का लड्डू, मूढ़ी का लड्डू, चूड़ा का लड्डू, जितने भी प्रकार के सामग्रियाँ होती हैं उन सब को पहले अपने देवी देवता पे चढ़ाना है, अपने तुलसी माँ को चढ़ाना है, अगर आपके कुल देवी देवता है तो उन पर भी चढ़ाना है। उसके बाद आपके घर में कोई डेथ कर गया है, तो जैसे मेरी दादी और नाना जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने फ़ोटो दिखाया ना, उनको चढ़ाया है। और बाहर कुछ कौवों को दिया जाएगा केला के पत्ता के ऊपर, या गाय को दिया जाएगा, कुछ अलग से चूड़ा, अरवा चावल, तिल, आलू, बैंगन, कुछ रुपए निकाल के रख दिए जाएंगे। वो सब हम फैमिली मेंबर जो है नहा नहा के उसे टच करेंगे, और अगर कोई मांगने आता है तो उसे देंगे, नहीं तो पंडित जी को दान कर देंगे। फिर सब कोई हम लोग दही चूड़ा खा सकते हैं, ये हमारे घर का नियम है। आप लोगों को अभी क्या ऐसे ही होता है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। शिवन्या के पैरों में क्या लग रहा है? शिवन्या महावर, ए देखो इधर क्या लग रहा है, महावर क्या? इधर मैं दही चूड़ा और तिलकुट एंजॉय कर रही हूँ। 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम अलसी फ्लैक्स सीड, 50 ग्राम मेलन सीड, 25 ग्राम पोस्तो दाना पॉपी सीड, 50 ग्राम सनफ्लावर सीड, 50 ग्राम पम्पकिन सीड, 50 ग्राम ये है क्या बोलते हैं कच्चा बादाम, और ये 100 ग्राम खजूर है, और 250 ग्राम गुड़ है, 50 ग्राम अखरोट है वॉलनट, 50 ग्राम काजू है, 50 ग्राम एलमंड्स है काठ बादाम, 50 ग्राम पिस्ता बादाम है, और 50 ग्राम किशमिश है। दूध उबल चुका है, इस गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ। आज मकर संक्रांति के दिन मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू, क्योंकि अब जो है बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगे 15 तारीख के बाद से, तो मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं मिलेगा। इतना रात को आती हूँ, एलमंड्स फुलाओ ये तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं इन सबका लड्डू बना के रख लूँगी और डेली एक लड्डू खा लूँगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है इसमें शामिल है, तो मुझे अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ये है चाला की बुद्धि। तो मैं कैसे बनाती हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखो। पहले पानी को यहाँ अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसमें सारे खजूर को डालकर अब यहाँ दूसरे गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, और कढ़ाई को थोड़ा अच्छा खासा हीट होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें सफ़ेद तिल को डालेंगे, थोड़ा देर अच्छे से रोस्ट करेंगे, ऐसे ही कलर चेंज हो जाए। अब हम इसे इस प्लेट में सेपरेट कर देंगे। मैंने जितने भी सीड्स थे उनको ड्राई रोस्ट किया है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे इन्हें घी में अच्छे से सेक लिया है। थोड़ा सा घी बच गया था, तो मैंने जो कच्चे बादाम ड्राई रोस्ट किए थे उन्हें घी में डालकर अच्छे से चला लिया, और कढ़ाई को अच्छे से साफ कर दिया। सारे ड्राई फ्रूट्स को है जो मैंने हल्का सा चकनाचूर कर लिया है ओखली में डालकर, जो खजूर को हमने गर्म पानी में डाला था
भीगने के लिए वो अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे मिक्सी में हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। का इस तरह से पेस्ट बनाना है। कढ़ाई में मैंने छोटे चम्मच से, मतलब मेरा चम्मच का साइज ये है, इससे दो चम्मच घी डाला है। घी हमारा जब हल्का सा ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गुड़ डालेंगे और इस गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट होने के लिए देंगे। हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमें खजूर का जो पेस्ट है वो डालना है। जब खजूर और गुड़ में एक साथ पकने के बाद उबाल आने लगे तब हमें इसमें धीरे धीरे करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है डाल देना है। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं मतलब बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हो रही हूँ इसे बना बना कर। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल कर हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से इसमें मिलाकर पका लेना है। मेरे घर पे मखाना रखा हुआ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मखाना को जो है हम इसमें अच्छी तरीके से हल्का ठंडा होगा तो मिला देंगे। सो सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मीशो से अभी जो एक नया प्रोडक्ट आया है, ये देखो कितना क्यूट सा छोटा सा डब्बा में, ये डब्बा में ज्वेलरी जो है बहुत सेफ रहता है। ये पैक ऑफ 2 है 99 रुपीज़ में। शॉर्ट्स में मैंने इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत अच्छा लेंथ है, मोती वगैरह में भी बहुत अच्छा साइन है, छोटा छोटा एलिफेंट बना हुआ है और इविल आइज बना हुआ है। ये एक जो है शिल्पा दीदी पहनेगी और ये एक मैंने पहन लिया है। मैं अभी अपने काम पर जा रही थी और रेल लाइन के किनारे कुछ बच्चे अपने ही मस्ती में खेल रहे थे। इसे कहते हैं बचपना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना। इनके पास शायद महंगे महंगे खिलौने नहीं हैं लेकिन इनके पास जो है वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश है और अपने लाइफ को कितनी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। और मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो जो है अपलोड किया है उसके लिए सॉरी, बट मैं एकदम अभी अकेले पड़ जाती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते इसीलिए मैं सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। तो मिलती हूँ आपसे किसी और एक वीडियो के साथ। बाय।